एवरीबॉडी अच्छो हाजी, एवरीबॉडी आगे बढ़ने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं। अच्छो। यस, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें इजी कर लेते हैं। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग अभी तक के पढ़ रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में क्या पढ़ा है हम लोगों ने? रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले अनअससी कुड ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप एक ही होती है? हमने देखा कि नहीं, ये एक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में हमने सिटीजनशिप वर्ड अडॉप्ट ना करके रेसिडेंशियल स्टेटस वर्ड अडॉप्ट करा हुआ है, जिसके रीजंस भी कल हम लोगों ने देखे थे। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी, रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए निकाला जाता है, ऐसा नहीं होता है एक ही साल के लिए होता है, यह हर साल के लिए अलग निकाला जाता है। अगर क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंट हो सकता है? बिल्कुल हाँ, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंट हो सकता है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल निकालना मैंडेटरी है। आंसर इज यस। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल इनकम तब तक के नहीं निकल सकता जब तक के रेसिडेंशियल स्टेटस ना निकल जाए, और टोटल इनकम ही नहीं निकलेगा तो टैक्स कैसे निकलेगा, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हेंस इन ऑर्डर टू कंप्यूट द टोटल इनकम वी नीड टू फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस। देन द अनदर पॉइंट विच वॉज व्हाई वी फाइंड रेसिडेंशियल स्टेटस, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी एज वेल। चैप्टर वॉज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, फर्स्ट टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, देन टू डिटरमाइन टोटल इनकम, एंड देन टू डिटरमाइन टैक्सेबिलिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबिलिटी? टैक्सेबिलिटी का मतलब होता है कि बॉस आपको क्या करना है, टैक्सेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको यह डिटरमाइन करना है कि कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली नहीं है। गेटिंग इट और नॉट? अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद हम कहां बढ़े? आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा दैट रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। इस पूरे चैप्टर को हमने कैसे रीड करना है? 6 5 7 8 9 इस सीक्वेंस में रीड करेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से इजीली अंदर जाएगा। हमने 6 चालू किया, 6 के अंदर में सबसे पहली चीज देखा 6-1 इंडिविजुअल, 6-2 एचयूएफ, 6-3 कंपनी एंड 6-4 अदर। कैसे याद रख सकते हैं? एक आदमी इंडिविजुअल हो सकता है, दो लोग मिलके घर बनाते हैं एचयूएफ, कंपनी तीन प्रकार की होती है, और चौथा स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? मालिक, अदर पर्सन। फिर हमने 6-1 चालू किया था। 6-1 में हमने सबसे पहले देखा इस कैटेगरी को, एक जनरल कैटेगरी को, राइट? अ पर्सन कैन आइदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट अगर है तो कितनी कंडीशन? दो या दोनों में से एक। एवरीबॉडी, कितनी कंडीशन? दो या दोनों में से एक। याद आ रहा होगा तो दोनों में से एक। पहला कंडीशन, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए, इसे ROR या RNOR बनाए। ROR बनाने की कितनी कंडीशन थी? दो। ROR बनाने की कितनी कंडीशन थी? दो। पहला कंडीशन जल्दी से बोलेगा मेरा बच्चा, पहला कंडीशन बोलो जल्दी 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 जल्दी, पहला कंडीशन क्या था? ही इज रेसिडेंट फॉर 2 out of 10 प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर। यहां तक के हमने सारी चीजें पढ़ी थी। वेदर कंटिन्यू स्टे एट वन प्लेस इज इंपॉर्टेंट, आंसर इज नो। वेदर कंटिन्यू स्टे इन वन कंट्री इज इंपॉर्टेंट, आंसर इज नो। अगर आवरली कैलकुलेशन हुआ तो 24 आवर हैज टू बी ट्रीटेड एज वन डे। द डे ही कम्स टू इंडिया एंड द डे ही लीव्स इंडिया बोथ आर काउंटेड। Yes or no? The day he comes to India and the day he leaves India, both are counted. ये बात भी हम लोगों ने देखी है। अच्छा जी सर, तो यहां तक के हम लोगों ने मोटे मोटी तौर पे सारी चीजें पढ़ी है, अब बढ़ना पड़ेगा आगे। Yes or no? आज हमें रेसिडेंशियल स्टेटस का कुछ पार्ट करके क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं, जो हमारे पास एग्जामिनेशन के थे, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको होमवर्क दिए थे, वो भी आज हमें सॉल्व करने हैं। तो इस बात का भी ख्याल आप लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है मालिक? इस बात का भी ख्याल आप लोगों को आज रखना पड़ेगा, ये याद दिला देना मेरे को। चलो अब बढ़ते हैं आगे, जहां हुए हैं फाइनेंस एक्ट द्वारा अच्छे खासे अमेंडमेंट, जहां हुए हैं फाइनेंस एक्ट 20 द्वारा अच्छे खासे अमेंडमेंट। अब जरा ध्यान से सुनना, जनरली जनरली RNOR पे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है फेल टू सेटिस्फाई 6-6। अब होता क्या था, जनरल रूल ये है कि कोई भी व्यक्ति को रेसिडेंट माना जाता था अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो, यानी अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो इसे क्या माना जाता था? रेसिडेंट माना जाता था। लेकिन इसके तीन एक्सेप्शन थे, जरा ध्यान से सुनना, इसके तीन एक्सेप्शन थे। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, एक्सेप्शन टू 6-1, दैट इज
फॉलोइंग पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ दे स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, दैट इज सेकेंड कंडीशन टू सेक्शन 6(1) इज नॉट रिक्वायर्ड. पहली चीज लिखिए, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू 6(1), फॉलोइंग फॉलोइंग पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ दे स्टे इन इंडिया, इफ दे स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर. सेकेंड कंडीशन टू 6(1) इज नॉट रिक्वायर्ड. मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, मीनिंग क्या है. तीन कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए वो 60 डेज वाला कंडीशन नहीं था. अगर ये 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. आई रिपीट, तीन कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए 182 डेज का ही कंडीशन था रेसिडेंट के लिए. अगर ये 182 डेज रेसिडेंट है, 182 डेज इंडिया में है रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. तीन कैटेगरी के लिए वो जो सेकंड कंडीशन है ना, 60 डेज एंड 365 डेज, वो काम का ही नहीं है. अब ये तीन व्यक्ति कौन है? अब आप ये पूछेंगे ये तीन व्यक्ति कौन है, मैं आपको इन तीन व्यक्ति से रूबरू करवा देता हूं. पहला, पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो तीन कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए सेकंड कंडीशन नहीं थी. ये तीन लोग, ये तीन लोग, ये तीन लोग अगर 182 डेज इंडिया में है रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. बड़ा सिंपल कैलकुलेशन. ये तीन लोग अगर 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 182 डेज या ज्यादा इंडिया में है प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. इंडियन सिटीजन हु इज अ पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बात सिंपल, प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में है रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. अब यहां पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अगर कोई बिजनेस करने के लिए भी बाहर जा रहा है तो इस कंडीशन को कंसिडर किया जाता है. सो एवरी पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, इस वर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, यस और नो. इंडियन सिटीजन जो बाहर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेट्स से अ पर्टिकुलर पर्सन, आप में से कोई भी, राइट, आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आप चले जाते हो आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेट से तुमने सोचा मस्काट के अंदर में जाकर के मुझे जॉब करनी है ऑयल इंडस्ट्री के अंदर में, तो अब यू आर लीविंग इंडिया, यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड लीविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इफ इन द प्रीवियस ईयर यू स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, यू आर रेसिडेंट, अदरवाइज स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट. वेरी क्लियर दिस पॉइंट. चलो दूसरा,
ship crew member of an Indian ship. If it is an Indian citizen and living as a ship crew member, what is a ship crew member? जो ship पे लोग होते हैं, जो काम करते हैं, इसे हम कहते हैं ship crew. So अगर कोई Indian citizen ship crew member है, 182 days or more India में है, resident otherwise non-resident. 182 days or more India में है, resident or non-resident. तीसरा category था person of Indian origin. अब आप ये पूछेंगे कि person of Indian origin मतलब होता क्या है? इसी के नीचे लिखिए. इसे हम पीओ भी कहते हैं, जीओ के जैसा पीओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. मीन्स अ पर्सन आइदर हु और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स born into undivided India. हम उसे person of Indian origin कहते हैं जो व्यक्ति या उसके parent या उसके grand parents born into undivided India. Now what do you mean by undivided India? हम सभी को पता है 1947, 14th अगस्त के दिन हम लोग पाकिस्तान से अलग हुए थे, that division की हम लोग बात कर रहे हैं. भारत एक ऐसा देश रहा है जिसका डिवीजन हुआ और इस डिवीजन की मार को बहुत लोगों को झेलना पड़ा. आज भी कई लोग ऐसे हैं, इस लॉ को बनाने के पीछे रीजन ये है, आज भी कई लोग ऐसे हैं, उस टाइम पे लोगों को ऑप्शन दिया गया था, इधर यू चूज टू बी इन पाकिस्तान और इधर यू चूज टू बी इन इंडिया. मेनी पीपल चूज इंडिया बट देवर हैविंग द लैंड बिजनेस और प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया. मेनी पीपल चूज पाकिस्तान बट हैज अ लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया. ऐसी चीजें हुई है. आप अगर सुप्रसिद्ध मसाले MDH की अगर बात करें, सुप्रसिद्ध मसाले MDH जिनके हेड इसी 2020 के अंदर में गुजरे, राइट, जिन्हें हम हमेशा एडवर्टीजमेंट्स के अंदर में देखते थे बचपन से लेके आज तक के, अगर आपको पता हो तो MDH का फुल फॉर्म होता है महाशियादी हट्टी, एक्चुअल नेम विच वॉज इन पाकिस्तान एंड शिफ्ट के दौरान, राइट, उन्होंने इंडियन सेलेक्ट किया, इंडिया सेलेक्ट किया, पर उनकी कई प्रॉपर्टीज आज भी वहां थी. ऐसे केसेस में उन्हें क्या कहा जा सकता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जा सकता है. उन्हें क्या कहा जा सकता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जा सकता है. नाउ द गेम स्टार्ट. इफ यू दैट इज असेसी और द पेरेंट्स और द ग्रैंड पेरेंट्स आर बॉर्न इनटू अनडिवाइडेड इंडिया, इसे हम कहेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पिछले साल में अगर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह जाए तो वो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. क्लियर है मालिक? चलो, सो फॉर थ्री पीपल 60 डेज वाला कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं है अगर ये तीन लोग 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, रीजन है, मैं इतने बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, रीजन है उसके पीछे कुछ. तो चलिए आइए मेरे साथ सबसे पहले कुछ बेयर प्रोविजन पढ़िए. अब बनते हैं वो तीन कैटेगरी के लोग, थ्री कैटेगरी ऑफ द केसेस. ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था, हम आज इसे डिस्कस कर रहे हैं. Indian citizen who leaves India in the previous year as a ship crew member or for the purpose of employment outside India, they would be treated as resident if they stays in India for 182 days or more in previous year. Yes or no? Achha ji sir. Teen category of people ke liye 182 days se zyada India mein hai, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट. अब एक और इशू था, वो इशू था शिप क्रू मेंबर को लेकर के, एक बड़ा इशू था. जरा ध्यान से सुनिएगा, शिप क्रू मेंबर हु इज अ मेंबर ऑफ अ इंडियन शिप, बराबर है, ये कितने दिन इंडिया में था और कितने दिन आउटसाइड इंडिया था, इसके कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी. अच्छा, ये प्रॉब्लम आती क्यों थी? देखिए, प्रॉब्लम ये इसलिए आती थी क्योंकि ये होते थे कहां पे, इंडियन वाटरवेज के अंदर में. ये कहां होते थे? इंडियन वाटरवेज के अंदर में. अब एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखने तो नहीं जा रहा ना, वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है या 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर है, तो उसके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी. एक्चुअली वो रेसिडेंट होकर के भी इनकम टैक्स को डिक्लेयर कर देता था नॉन रेसिडेंट, और मैक्सिमम प्रोविजन इनकम टैक्स की अट्रैक्ट ही नहीं होती थी. इस चीज को कर्व अप करने के लिए क्या किया गया, इंडियन डिपार्टमेंट कस्टम डिपार्टमेंट्स के पास गया और कस्टम डिपार्टमेंट से कहा कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, ये जो शिप क्रू मेंबर वाले होते हैं ना, इनका एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज हमें समझ ही नहीं आता, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कस्टम डिपार्टमेंट ने बोला, व्हाई नॉट, अपन दोनों भाई भाई है, अपन तो सेम सरकार के लिए वर्क कर रहे हैं, मैं एक काम करूंगा,
जब भी कोई व्यक्ति आउटसाइड इंडिया जाएगा, आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर्स जाएगा, बराबर है, या आउटसाइड द स्पेसिफाइड वे जाएगा, हम क्या करेंगे, उससे एक सर्टिफिकेट साइन करवा के देंगे, हम उसे एक सर्टिफिकेट देंगे। एक प्रोसेस बनाई गई, इस प्रोसेस के तहत क्या हुआ, जब भी कोई व्यक्ति फॉरेन जा रहा होगा शिप के थ्रू, राइट, उसे क्या करना होता है, अपना एक लॉग बनाना होता है, एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनाना होता है। इसके बाद इस लॉग के बेसिस पर कस्टम उसे एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को कहा जाता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। क्या कहा जाता है, वापस से बोलो मालिक। जैसे अगर विजय कोई शिप क्रू मेंबर है और ये इंटरनेशनल सर्व करने जा रहा है, मतलब वो आउटसाइड इंडिया है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे समझ में आएगा कि वो सच में आउटसाइड इंडिया है। इसीलिए इंडियन कस्टम्स को बोला कि आप एक सर्टिफिकेट इश्यू करो कि ये सच में आउटसाइड इंडिया है। कस्टम वालों ने कह दिया हर वो व्यक्ति जो शिप क्रू मेंबर है और आउटसाइड इंडिया जाएगा वो एक लॉग करेगा, और इस लॉग के बेसिस पे हम एक सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। इस सर्टिफिकेट को कहा जाएगा कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। क्या कहा जाएगा, वापस से बोलो, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इस कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का मतलब होगा कि ये इतने नंबर ऑफ डेज आउटसाइड इंडिया है। इस कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का मतलब होगा ये इतने दिन आउटसाइड इंडिया है, जिस दिन से उसने एंट्री की से लेके जिस दिन पे साइन ऑफ की एंट्री की, साइन ऑफ मतलब अब वो वापस आ चुका है और इस दिन वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, जिस दिन से उसने एंट्री की से लेके जिस दिन तक के वो साइन ऑफ की डेट है, इस डेट इस पीरियड जो सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा हम ये मान लेंगे कि वो आउटसाइड इंडिया है। तो बात बड़ी फिक्स हो गई। शिप क्रू मेंबर के लिए जनरल नंबर ऑफ डेज 365, जनरल नंबर ऑफ डेज 365 माइनस जितने दिन कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखे होंगे वो माइनस कर दो, जो भी बैलेंस बचा अगर वो 182 डेज से ऊपर है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। वापस से सुना इस पॉइंट को। सर, शिप क्रू मेंबर, एक डिफिकल्टी आ रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था कि क्या वो सच में इंडिया में है या सच में आउटसाइड इंडिया है, इस बात को वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था। क्या किया, इंडियन कस्टम्स के पास गए। इंडियन कस्टम्स ने बोला ठीक है, हम एक प्रोसीजर बनाते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आउटसाइड इंडिया जाएगा हम उसकी एंट्री करवाएंगे, साइन इन साइन ऑफ, साइन इन कि जब वो बाहर जा रहा है, साइन ऑफ जब वो वापस आ चुका है, और हम उसको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे अंडर द इंडियन कस्टम्स, जिसे कहा जाएगा कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट प्रमाण देगा कि कितने दिन वो आउटसाइड इंडिया था। अब जनरल नंबर ऑफ डेज 365 इसमें से क्या माइनस करेंगे, उतने दिन जितने कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर में लिखे होंगे, जो बैलेंस बचा अगर वो 182 डेज से ज्यादा है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। गेटिंग इट और नॉट, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। ये बात यहां पे भी लिखी है, इस वर्ड को जरा ध्यान से सुनना, इसको जरा ध्यान से सुनना। बींग एन सिटीजन ऑफ इंडिया, बींग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु लीव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इज अ मेंबर ऑफ शिप क्रू ऑफ एन इंडियन शिप एज डिफाइंड इन 318 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, रूल 126 कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया विल बी एज अंडर। एन इंडिविजुअल बींग सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ शिप क्रू, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ अ एलिजिबल वोयाज शैल नॉट इंक्लूड द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एज मेंशन इन द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जब हम लोग नंबर ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया काउंट करते रहेंगे, हम उतना पीरियड काउंट नहीं करेंगे जितना सीडीसी, सीडीसी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर में लिखा होगा, उतना पीरियड काउंट नहीं करेंगे। बैलेंस पीरियड हम ये मान लेंगे इंडिया में है, और वो बैलेंस पीरियड अगर 182 डेज से ऊपर है रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। गेम ओवर। रूल 126 आया। एलिजिबल वोयाज का मतलब क्या है, ये उनने दिया है पर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लेना। एलिजिबल वोयाज मींस अ वोयाज अंडरटेकिंग बाय शिप एंगेज इन कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रेट इन एन इंटरनेशनल ट्रैफिक। एलिजिबल वोयाज मतलब वो एक शिप जो पैसेंजर या गुड्स लेकर के इंटरनेशनल वाटर्स में जा रही है। फॉर द वोयाज हैविंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया एंड हैज अ डेस्टिनेशन टू एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया, जिसका शुरुआत इंडियन पोर्ट से हुआ और किसी फॉरेन पोर्ट पे जाने वाला है, एंड द वोयाज हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया एंड हैज इट्स डेस्टिनेशन टू एनी पोर्ट इन इंडिया, या वो शिप
वहीं से उस पोर्ट से निकल के इंडियन पोर्ट पे आने वाला है, हम इसे एलिजिबल वोयाज कहेंगे। ठीक है सर, बी वाला पार्ट रहने देना है, यहां तक के पढ़ना है। सो अब हमें क्या लिखना होगा, आइए ऊपर यहां नीचे लिखिए रूल 126, पीरियड ऑफ स्टे फॉर शिप क्रू मेंबर फॉर अ इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन बींग शिप क्रू मेंबर नंबर ऑफ डेज इन इंडिया विल एक्सक्लूड द पीरियड मेंशन्ड इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। द पीरियड मेंशन्ड इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट CDC एक्सक्लूड लिखा है, एक्सक्लूड लिखा है। बराबर है। सो जनरली टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर लेस पीरियड स्टेटेड इन CDC, दिस विल बिकेम नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। And if this exceeds 182, आप क्या माने जाओगे? रेसिडेंट। एंड इफ दिस एक्सीड्स 182, आप क्या माने जाओगे? रेसिडेंट। समझ में आया क्या? ध्यान में आया क्या? तो चलो वापस से एक बार रिपीट करते हैं। जनरल रूल अब तक के हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, आज हमने सबसे पहले जनरल रूल स्टार्ट किया तीन लोगों के लिए। वो जो सेकंड कंडीशन है ना रेसिडेंट की 60 डेज वाली, वो नहीं लगती। तीन लोग कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या वो कोई शिप क्रू मेंबर है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा इंडिया के अंदर में है, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। पॉइंट वन क्लियर। पॉइंट टू, इसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब वो होता है चाहे असेसी या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इनटू अनडिवाइडेड इंडिया, तो हम इसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे। ठीक है सर। फिर हमने देखा कि शिप क्रू मेंबर के जब नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करना है, एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आ रही थी कि उसका नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं हो पा रहा था, तो इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने कस्टम में बोला कि ऐसा कुछ करो जिससे हमें प्रूफ हो जाए कि हाँ ये इतने दिन आउटसाइड इंडिया है। इंडियन कस्टम वालों ने एक सर्टिफिकेट प्रोसेस लेकर के आ गई, इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया। उनने कहा देखो नंबर ऑफ डेज इन प्रीवियस ईयर जनरली कितने होते हैं? 365, लीप ईयर होगा तो 366, इसमें से तुम्हारे सर्टिफिकेट में जितना पीरियड लिखा होगा कि हाँ ये इतने पीरियड इंटरनेशनल वाटर्स में है, मतलब वो उतने पीरियड इंडिया में नहीं है, हम उतना पीरियड माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचा ये नंबर ऑफ डेज स्टेज इन इंडिया हो जाएगा। अब ऊपर वाले लॉ को अगर दिमाग लगाया जाए, ये नंबर ऑफ डेज अगर 182 डेज से ऊपर है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। वेरी क्लियर मालिक? वेरी क्लियर प्रभु? यहां तक के सबको क्लियर हुआ है क्या ये बात बताओ, क्योंकि इसके आगे बढ़ने से पहले यहां तक का पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक का सबको क्लियर हुआ है क्या, बोलो भाई साहब मेरे को, हां या हां? इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन होंगे आपके, बट यहां तक का पॉइंट पहले क्लियर हुआ है क्या ये बताओ।
एक जवाब, एनीबडी एल्स? क्योंकि इसके आगे अमेंडमेंट है, तो यहां तक का क्लियर पहले होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, मुझे जवाब चाहिए सबके। कुछ और सवाल आएंगे जो आगे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है? डन सर। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक और बार बता दूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जो पहले इंडिया और पाकिस्तान था, अनडिवाइडेड इंडिया में भी बॉर्न हुए हो, तो आप क्या कहलाओगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाओगे। फिर आप अगर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में हो, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। यस, अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना, अब बढ़ते हैं आगे। अब हो क्या रहा था जिसके कारण एक अमेंडमेंट 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 आया, मैं बहुत बड़ा अमेंडमेंट बात करने जा रहा हूं, कंफर्म आपके एग्जामिनेशन में आएगा, असेसमेंट ईयर 21-22 की एग्जामिनेशन में कंफर्म आएगा ये पॉइंट, ध्यान से सुनना, कंफर्म आएगा, अभी बोल रहा हूं, और एग्जाम में आने के बाद मेरे को थैंक यू बोलना, ठीक है? हमने ये वाला पार्ट पहले पढ़ लिया, अब हम आ रहे हैं दूसरे वाले पार्ट पे। अब देखो हो क्या रहा था, हो क्या रहा था, टैक्स अब्यूज हो रहा था जिसके कारण अमेंडमेंट आया। अब आप ये पूछेंगे, पूरी स्टोरी सुनना आप, अब ये टैक्स अब्यूज नाम की क्या चीज होती है? देखिए हो ये रहा था, कई इंडियन सिटीजन थे जिन्हें ये लॉ पता था कि अगर मैं इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह गया तो मैं रेसिडेंट हो जाऊंगा। तो कई इंडियन सिटीजन जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी थे, राइट, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, वो इस तरीके से कुछ मैनेज करते थे अपने नंबर ऑफ डेज को, जहां पे उनकी सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इंडिया से आ रही थी, लेकिन वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रहते थे और ओवरऑल 60 डेज वाला क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं करते थे, और इस वजह से वो क्या हो जाते थे? स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट। लेकिन उनकी सब्सटेंशियल इनकम कहां से जनरेट होती थी? इंडिया से जनरेट होती थी, इंडिया से जनरेट होती थी। इसी तरीके से कई लोग स्पेसिफिकली जो कहां वर्क कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया वर्क कर रहे हैं, ये क्या करते थे? इंडिया में अपने नाम का एक बिजनेस चालू कर देते थे, ये वर्क तो आउटसाइड इंडिया करते थे, लेकिन सब्सटेंशियल इनकम एक्टिविटी कहां से जनरेट होती थी? इंडिया से जनरेट होती थी। कई लोग जो आउटसाइड इंडिया थे, लेट से प्रोफेशनल बने, इनमें से दो तीन दोस्तों मेरे भी हैं, मैं आपको बताता हूं, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल होने के बाद पैसे कमाने के चक्कर में चले गए यूएई, यूएई के अंदर में पैसे कमा रहे थे, जाहिर सी बात है इंडिया से ज्यादा वहां कमा रहे थे, तो यूएई से जो पैसा लाते इंडिया के अंदर में, यहां कोई ना कोई अपने भाई के साथ या अपने रिलेटिव के साथ पार्टनरशिप शुरू कर देते, और नंबर ऑफ स्टेज इंडिया में ज्यादा नहीं थे। अगर वो रेसिडेंट हो जाएं तो प्रॉब्लम क्या होती? प्रॉब्लम ये होती कि अगर वो रेसिडेंट हो जाए तो उनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती, अगर वो रेसिडेंट हो जाए तो उनकी ग्लोबल इनकम कहां टैक्सेबल हो जाती? इंडिया, मतलब जो यूएई में भी कमा रहे हैं वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाता। सर ऐसा? हाँ ऐसा है, आगे आप देखेंगे कि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है सेक्शन 5 के तहत। अगर आप रेसिडेंट हो जाते हो तो वर्ल्ड में आपने जहां पैसा कमाया है वहां वो पूरा का पूरा टैक्स आपको इंडिया में देना पड़ता है, वर्ल्ड में कहीं पर भी कमाया हो। अगर आप आरओआर रेसिडेंट हो जाते हो तो वर्ल्ड में कहीं पर भी पैसा कमाया उसका टैक्स आपको इंडिया में देना पड़ता है, ये कानून है सेक्शन 5 के अंदर में लिखा हुआ, हम जाएंगे उसके अंदर में। बहरहाल इसीलिए वो क्या करते थे, 182 और अदर क्राइटेरिया से दूर भगते थे, और किसी तरीके से वो रेसिडेंशियल स्टेटस से बाहर निकल जाते थे। किससे बाहर निकल जाते थे? रेसिडेंशियल स्टेटस से बाहर निकल जाते थे। भारत सरकार ने देखा, साला ये लोग तो हमें बेवतूफ बना रहे हैं, और इसी के तहत एक और चीज हुई, थोड़ा सा सीए फाइनल में लेके जा रहा हूं, सीए फाइनल के इंटरनेशनल टैक्स में लेके जा रहा हूं, पर समझ में पूरा आएगा। हुआ यह कि भारत वन ऑफ द की मेंबर है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का, जिसके तहत भारत ने कई कंट्रीज के साथ 2015 में भारत ने इन 2015 इंडिया कमिटेड दैट इंडिया विल नॉट प्रमोट ट्रीटी अब्यूज। इंडिया ऐसी किसी भी तरीके के प्रोविजन को प्रमोट नहीं करेगा जहां पे टैक्स अवॉइडेंस हो रहा होगा, इधर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। भारत ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लेकर के आएगा लॉ के अंदर में। हमने 2015 में एक कसम खाई भारत ने कि भैया हम ऐसी कोई प्रोविजन नहीं रखेंगे जिससे टैक्स अब्यूज इंडिया में हो जाए या इनकी प्रोविजन के कारण कहीं और हो जाए। इस कसम के तहत इफेक्ट
2020 के फाइनेंस एक्ट में दिया गया। इस कसम का इफेक्ट 2020 के फाइनेंस एक्ट में दिया गया। इंडिया ने जितने कंट्री के साथ अग्रीमेंट किए थे इन सारे अग्रीमेंट को अमेंड किया गया, साथ ही साथ में ये नए लॉ लेकर के आए। इस नए लॉ के तहत क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पूरी बात ध्यान से सुनना, एक पॉइंट भी मिस करना, किसी का वीडियो अगर फास्ट फॉरवर्ड में होगा तो उसे वन पे लेके आ जाना। अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु इज आउटसाइड इंडिया बट कम टू विजिट इन इंडिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरी ध्यान से सुनना, लिखने का टाइम भरपूर दूंगा, अभी लिखना कुछ नहीं है, लिखने का टाइम दूंगा। फर्दर, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो रहता कहां है, हु इज आउटसाइड इंडिया बट कम टू विजिट इन इंडिया, हु इज आउटसाइड इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन, हम टैक्स अवॉइडेंस झेलेंगे नहीं ना कहीं और करने देंगे। जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो रहता तो आउटसाइड इंडिया है लेकिन इंडिया आया है विजिट के लिए, ये बात पता है क्यों कही गई? ये इसलिए कही गई क्योंकि जो लोग थे 182 डेज से ज्यादा अवॉइड कर देते थे और वो सिर्फ ये बताते कि देखिए हम इंडिया विजिट पे आए हैं, हम इंडिया काहे के ऊपर आए हैं, विजिट के ऊपर आए हैं, एंड हिज टोटल इनकम इज अप टू 15 लाख, जिसका मतलब होता है फिफ्टीन लाख और लेस। जरा ध्यान से सुनना, जो नवंबर 20 वाले हैं उनके लिए तो ऑल टुगेदर ही नया पॉइंट है। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हमने 2015 में कसम खाई थी जिसका इंपैक्ट हमें 2020 में देखने को मिल रहा है, फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया क्योंकि हमने कई वादे किए हैं कई कंट्रीज के सामने, तो जो भी इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो अदरवाइज तो आउटसाइड इंडिया में रहता है लेकिन इंडिया में काहे के लिए आता है, विजिट के लिए आता है, कम टू विजिट इन इंडिया, एंड इस विजिट में भी वो इंडिया से इनकम कमा लेता है, कितनी, अप टू 15 लाख रुपए, 15 लाख या उससे कम। एक्चुअली ये वो लोग थे जो इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस अवॉइड कर देते थे पर इंडिया से इनकम कमा के लेके चल जाते थे। इंपैक्ट क्या होता था पता है आपको? इंपैक्ट ये होता था कि इनकी ग्लोबल इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होती थी, बल्कि ये बताते थे हम सिर्फ किसके लिए आए हैं, विजिट के लिए, इनकम टैक्स होती थी पर ग्लोबल इनकम टैक्स नहीं होती थी, जबकि ये होना चाहिए था, ये टैक्स प्लानिंग खेल रहे हैं। भारत सरकार ने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो आउटसाइड इंडिया रहता है, इंडिया विजिट के लिए आता है, एंड उसकी टोटल इनकम अप टू 15 लाख है, कौन सी इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय अदर देन फॉरेन सोर्सेस? जो सिर्फ पैसा इंडिया से कमाया गया है, जो सिर्फ पैसा कहां से कमाया गया है, इंडिया से कमाया गया है, ऐसे केस में हम क्या मानेंगे, इस व्यक्ति को रेसिडेंट मानेंगे इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। ध्यान से सुनना, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया है लेकिन इंडिया आता है विजिट के ऊपर और इंडिया से इनकम कमा लेता है अप टू 15 लाख रुपए, ऐसे व्यक्ति को हम रेसिडेंट मानेंगे इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। सर आपने जो पिछला पॉइंट पढ़ाया था और ये पॉइंट पढ़ाया था, ये सेम ही है ना? नहीं, सेम नहीं है।
सर वहां पे भी तो पर्सन लिविंग इंडिया लिखा, पर्सन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा था। आप कुछ सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। इसके पहले हमने उन लोगों की बात करी जो इंडिया से जा रहे हैं, अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया है पर इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट किया। हु आर इन आउटसाइड इंडिया पर कमिंग टू विजिट इन इंडिया, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की ही कर रहे हैं जो है तो बाहर लेकिन आ इंडिया में रहे हैं और इंडिया से इनकम कमा के लेके जा रहे हैं। इनके लिए कोई स्पेसिफिक कट थ्रोट गाइडलाइन नहीं थी, इस बार रख ली। इनने कहा कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया है और इंडिया विजिट के लिए आ रहा है, आप सोचिए, मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूं, इंडिया विजिट के लिए आ रहा है और इस विजिट में भी वो अप टू 15 लाख रुपए तक की इनकम कमा लेता है, तो इसके रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई क्राइटेरिया नहीं था जो उनने बहुत क्लियर कर दिया। हम इसे रेसिडेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जल्दी से बोलो। हम इसे रेसिडेंट मान लेंगे अगर ये 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो, 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो। इस पॉइंट को पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 2, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज बीइंग आउटसाइड इंडिया, हु इज बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर एंड एंड एंड। सिर्फ विजिट पे आना ही काफी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, इंडिया सिर्फ घूमने के लिए आया है, टोटल इनकम जनरेट नहीं कर रहा, हम उसे रेसिडेंट नहीं बना रहे। जो आ भी रहा है और इनकम भी कमा रहा है, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम टू विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एंड टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम इज 15 लाख और लेस, दे वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट, दे वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। सो एक एग्जाम्पल अगर मैं लू, एक एग्जाम्पल अगर मैं लू, ठीक है, लिखना सब लिखना, रुक जाओ। एक एग्जाम्पल अगर मैं लू, मिस्टर जी वॉज एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर जी वॉज एन इंडियन सिटीजन स्टेइंग इन इराक फ्रॉम 1995, कम्स टू विजिट इन इंडिया फॉर 183 डेज एंड अर्न 10 लाख रुपीज फ्रॉम इंडिया, व्हाट विल बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। अब एक सीधे शब्दों में इसका जवाब सुनना चाहोगे तो यह भी है कि कोई भी व्यक्ति, इंडियन सिटीजन छोड़ो, कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में आता, इंडियन सिटीजन छोड़ो, कोई भी व्यक्ति जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में आता, हम उसे रेसिडेंट मान लेते, बिल्कुल बराबर है। पर दूसरा कंडीशन भी उनके लिए एप्लीकेबल था। या हम दूसरे कंडीशन की बात ही नहीं कर रहे, या हम सीधा बोल रहे हैं अगर आप इंडियन सिटीजन है, दूसरा कंडीशन गया तेल लेने, अगर आप वो जो 60 डेज वाला है वो गया तेल लेने, अगर आप इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया और इंडिया विजिट के लिए आते हैं, कम्स टू विजिट इन इंडिया, और यहां आने के बाद 15 लाख से कम की इनकम कमा रहे हैं, तो हम आपको तब रेसिडेंट मानेंगे जब आप 182 डेज से ऊपर है। इसके पहले ये लॉ था ही नहीं। लॉ जरा पढ़ के देखिएगा। इससे पहले कोई भी व्यक्ति जब इंडिया में आता 182 डेज से ज्यादा रहता है या 60 डेज, यहां 60 डेज वाला क्राइटेरिया हम रख ही नहीं रहे। 182 डेज वाला भी क्राइटेरिया किसके लिए था, जो व्यक्ति बाहर जा रहा था, जो आ रहा था इसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। इस बार क्लियर कर दिया कि हम इसे तभी रेसिडेंट मानेंगे जब वो 182 डेज से ऊपर होगा। सो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, अगर क्या बोल रहा है वो, जी वॉज एन इंडियन सिटीजन, पहले बात तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर देना चाहिए ये वर्ड ही एग्जाम में। अब ये वर्ड तुमको स्ट्राइक करना चाहिए, ही इज एन इंडियन सिटीजन, कहां रह रहा है, इराक, बीइंग आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन हु इज आउटसाइड इंडिया, कब से, 1995 से चला गया है, कम्स टू विजिट इन इंडिया, इज ही कमिंग टू विजिट इन इंडिया, यस, एंड यहां पे इसने 10 लाख रुपए कमाए, हिज टोटल इनकम इज अप टू 15 लाख, यस, हिज टोटल इनकम इज अप टू 15 लाख फ्रॉम इंडिया,
कितने दिन इंडिया में रहा? 183। इसे क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट मान लिया जाएगा। यहां तक कोई सवाल कुछ नहीं समझा? अभी ही पूछो। सर ये अमेंडमेंट कब आया? किशन आप सो रहे थे बेटा, मैं आपसे जब से कह रहा हूं ये फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट है। कैसा कर रहे हो बेटा? मैं वही तो कह रहा हूं बच्चे कि ये अमेंडमेंट है। दिस इज एन अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020। पूरी हिस्ट्री सुनाई आपको, चले गए थे क्या? हाँ। अब मुझसे एक सही सवाल पूछा अनुजा ने, सर इनकम 15 लाख से ऊपर हुई तो? इसी के बाद वो प्रोविजन आएगा। सर वो 2,50,000 से ज्यादा कमाएगा तब भी तो वो टैक्सेबल होगा ही ना? हाँ बेटा, जो पैसा इंडिया से कमाया गया है वो टैक्सेबल होगा ही होगा, पर इसके पहले उसे हम रेसिडेंट नहीं मान रहे थे, नॉन रेसिडेंट बोल के टैक्सेबल कर रहे थे। अब उसे रेसिडेंट बनने का भी पार्ट मिला हुआ है। 15 लाख के ऊपर क्या होगा? वो थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, अब आइए पहले ये लिखिए, यहां लिखिए हेडिंग इंडियन सिटीजन और PIO कमिंग टू विजिट इन इंडिया। हेडिंग दो इसकी, पूरा प्रोविजन लिखो। जिसे समझ आ गया है पूरा लिखो, मैं बाकियों के डाउट सॉल्व करता हूं। सर अगर यही क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज 182 से कम होते तो हम नॉन रेसिडेंट बोल देते बेटा, उसमें क्या तकलीफ है? सर 6(1) के प्रोविजन में से भी एक ही ले रहा है बेटा, आप समझो। ये 6(1) के अंदर में हमने जब कल 6(1) पढ़ा तो 6(1) इन जनरल है सभी के लिए, जरूरी नहीं वो इंडियन सिटीजन हो। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए। सर अगर 180 डेज रह के 10 लाख इनकम कमा रहे हो तो उस केस में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, 10 लाख टैक्सेबिलिटी में आएगा ही आएगा। सो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया कम्स टू विजिट इन इंडिया, इसे हाईलाइट जरूर करके रखना। एंड यहां एंड लिखा है, एंड इज टोटल इनकम इज अप टू 15 लाख, दैट इज 15 लाख डॉट और लेस फ्रॉम इंडिया, दैट इज फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, इसे हम रेसिडेंट मानेंगे इफ स्टे इन इंडिया इज फॉर 182 डेज और मोर। अगर आप इसे इन शब्दों में समझ सकते हैं तो भी ज्यादा बेहतर होगा कि अगर 182 डेज से कम है हम उसे रेसिडेंट नहीं मानेंगे, नॉन रेसिडेंट मानेंगे, पर इनकम तो टैक्स होगी होगी, सिर्फ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बदल जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। 15 लाख से अगर कम इनकम है तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। 182 डेज से अगर कम रहा वो नंबर ऑफ डेज तो फर्क क्या होने वाला है? सिर्फ उसको रेसिडेंट की जगह हम नॉन रेसिडेंट बोल देंगे, पर जो इनकम वो इंडिया से कमा रहा है वो तो टैक्स लगेगा ही नहीं। नहीं सिचुएशन आप ये समझ लीजिए, वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, जो पैसा इंडिया से कमा रहा है उस पर तो टैक्स देना ही देना है, पर हाँ 182 डेज से ज्यादा है तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। एवरीबडी डन? चलो मेरे साथ वापस से एक बार अभी तक जितना पढ़ा उतना रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले कल क्या पढ़ा था, सॉरी इसके पहले क्या पढ़ा था,
अब क्या पढ़ा और अब क्या पढ़ा, मैं तीन पार्ट को वापस से एक बार डिवाइड कर रहा हूं। हर बच्चा प्लीज प्लीज अपनी आंखें बंद कर लें, सिर्फ कान खुले रखें और ध्यान से सुने। जनरल रूल, इन तीन कैटेगरी को तेल लगाने जान दो। जनरल रूल, कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं हो इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में आया, 182 डेज से ज्यादा रहा रेसिडेंट, या फिर 60 डेज से ज्यादा एंड 365 डेज से ज्यादा, तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। उसे हम ROR RNOR बनाते थे। ये हो गया जो हमने पहले पढ़ा था, बाजू करो। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि तीन लोगों के लिए वो 60 डेज का क्राइटेरिया नहीं है। ये तीन लोग कौन है? इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, शिप क्रू मेंबर। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं। अब जो आउटसाइड इंडिया से यहां आके इनकम कमा के जा रहे थे, इसके लिए कोई लॉ नहीं था। इस साल हमने लॉ बनाया, फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट, हमने लॉ बनाया। ये लॉ क्यों बनाया हमने? 2015 में इंडियन गवर्नमेंट कमिट करके आई थी OECD के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सामने, कई कंट्रीज के सामने, कि सर हम टैक्स अब्यूज को ना झेलेंगे ना झेलने देंगे। इसलिए उनने कह दिया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, क्योंकि एक पैटर्न था कि लोग बाहर जा रहे थे, इंडिया से भी पैसा कमा रहे थे, लेकिन इंडिया में अपना रेसिडेंशियल स्टेटस डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। बराबर है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई लॉ भी नहीं था। यहां से जाने वालों के लिए तो कहा गया था, लेकिन वहां से इधर आके जो कमा रहे उनके लिए नहीं कहा गया था, जो स्पेसिफिकली इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। इस साल से क्या किया गया, अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो बाहर, लेकिन इंडिया में विजिट करने के लिए आता है, बताता है कि मैं विजिट करने के लिए आया हूं, जबकि वो एक्चुअली बिजनेस के लिए आया है या वो एक्टिविटी मनी अर्न करने के लिए आया है, वो बताता है कि मैं सिर्फ विजिट के लिए आया हूं, और विजिट में भी आदमी पैसा कमा लेता है, भारत सरकार पूछती है, हम भी आउटसाइड इंडिया कई बार जाते हैं, हम तो वहां इनकम नहीं कमा के आते, तो ऐसे कौन से इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए जो विजिट के लिए आते हैं पर पैसा कमा ले जाते हैं। लॉ बन गया, इनको रेसिडेंट मान लेंगे, 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में है तो, एंड 15 लाख से कम कमा रहे हैं तो। कुछ बच्चों ने सवाल पूछा कि सर हम 182 डेज से कम है, इनकम अप टू 15 लाख कमा रहे हैं, अब बोलिए क्या रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा? इनकम तो टैक्सेबल थी, टैक्सेबल है, क्योंकि वो पैसा इंडिया से कमाया जा रहा है, तो इनकम तो पहले भी टैक्सेबल थी, अब भी टैक्सेबल है, बस उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बदल जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, यस ऑर नो? सर अगर वो रेसिडेंट बन जाता है तो इंडिया को क्या फायदा हो गया इस लॉ का? अगर वो रेसिडेंट बन जाता है तो इंडिया को क्या फायदा हो गया इस लॉ का? ऐसा लॉ लाके इंडिया को क्या फायदा हुआ? आप शायद समझे नहीं इस चाल को, आप बड़े नादान से बच्चे हो, आप शायद समझे नहीं इस चाल को। उसको रेसिडेंट अगर बना दिया तो उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स कर देंगे, अगर उसे रेसिडेंट बना दिया तो उसकी ग्लोबल इंडिया इनकम को इंडिया में टैक्स करने का पावर मिल जाएगा। यह है तरकीब, यह है इसके पीछे के राज। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अच्छा, अब कुछ नालायक बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर इनकम 15 लाख से ज्यादा कमा रहा होगा वो तो। यहां भारत सरकार ने बड़े चेंज किए, यहां भारत सरकार ने फिर बड़े चेंज किए। फाइनेंस एक्ट 2020 का एक और अमेंडमेंट कंफर्म आपके असेसमेंट ईयर 21-22 के एग्जामिनेशन में आने वाला है, कंफर्म आने वाला है, यस कंफर्म आने वाला है। क्या हुआ? हम अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कम्स टू विजिट इन इंडिया एंड इनकम अर्नड अदर देन फॉरेन सोर्सेस एक्सीड 15 लाख। यही सवाल था आप लोगों का? टेंशन नहीं भाई, इधर बैठा है, ध्यान से सुनो, टेंशन नहीं भाई, इधर बैठा है।
इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कम्स टू विजिट इन इंडिया। यहां तक के तो सभी कॉमन, जो ऊपर क्राइटेरिया में पड़ा नीचे क्राइटेरिया में सेम हो गया। एंड इनकम अर्न इज एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज, इनकम अर्न इज एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज। सर तो पहले वाले में और इसमें क्या फर्क है? अरे झंडू बाम केसरी जीवन, यहां हम 15 लाख तक की इनकम की बात कर रहे थे, यहां 15 लाख एक रुपए भी है तो इधर में आ गए तुम, अब इधर में आ गए। अब मैं आपको समझाता हूं हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि सर ऐसे कैटेगरीज बहुत ज्यादा थी जो इंडिया में 15 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमा रहे थे, ऐसे व्यक्ति जो है तो इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु इज आउटसाइड इंडिया, दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट बट अर्निंग मोर देन 15 लाख। 15 लाख एक जनरल क्राइटेरिया बनाया गया है, 15 लाख एक जनरल क्राइटेरिया, एक लिमिट लगाई गई है। पर जब स्टैटिस्टिक्स निकाला गया तो पता चला ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिनकी इंडिया से इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर की है अदर देन फॉरेन सोर्सेस। इनके भी रेसिडेंशियल स्टेटस का क्राइटेरिया अब तक के लिखा हुआ नहीं था, और ऐसे बहुत सारे कैटेगरी थे। तो भारत सरकार ने क्या किया होगा? इसके पहले तक के हमने देखा कि हम उसे रेसिडेंट मान लेते थे अगर 182 डेज से ज्यादा वो इंडिया में है तो, लेकिन ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा थी जो 15 लाख से ज्यादा कमा रहे थे और भारत सरकार को चकमा भी दे रहे थे। भारत सरकार ने इनके साथ डबल गेम खेला। कैसे? भारत सरकार ने बोला इनके लिए रेसिडेंट का क्राइटेरिया, इनके लिए रेसिडेंट का क्राइटेरिया हम लोग कर देते हैं रादर देन 182 डेज 120 डेज, जिसका मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आउटसाइड इंडिया रहता है, इंडिया विजिट करने के लिए आता है और इंडिया से 15 लाख से ज्यादा कमाता है, हम उसे रेसिडेंट मान लेंगे अगर वो इंडिया में 120 दिन के ऊपर है, 183 भी नहीं, 15 लाख तक के 183 डेज का क्राइटेरिया। जहां तुमने 15 लाख के ऊपर कमाया, नंबर ऑफ डेज को ही रिड्यूस कर दिया हमने, हमने बोला अब 120 दिन के ऊपर हो तो रेसिडेंट। आई रिपीट, क्या बोला हमने? हमने कहा 120 डेज से ऊपर हो तो स्ट्रेट अवे क्या मान लो? रेसिडेंट मान लो। 120 डेज से ऊपर हो तो क्या मान लो? रेसिडेंट मान लो। और इस लॉ को कुछ अलग तरीके से लिखा गया। सबसे पहले यह लिखिए, धीरे धीरे जाएंगे यहां पे, थोड़ा सा इतना जबरदस्त गेम खेला कि अब कोई बच के नहीं जा सकता। डन सर, ये लिख लो पहले।
एवरीबडी डन। चलो अब देखो लॉ ने तीसरा पार्ट क्या खड़ा किया। ये यहां है तीसरा कैटेगरी, आप समझ रहे हैं? ये जो नए नोट्स हैं, जो नए नोट्स हैं कितने भयानक तरीके से डिजाइन किए होंगे, इतने आड़े तेढ़े वर्ड को बड़े प्यार से सहेज के रखा है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज बीइंग आउटसाइड इंडिया एंड कम्स टू विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एंड टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 15 लाख, इज एक्सीडिंग 15 लाख, दे वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इज सेटिस्फाई एनी, इनको रेसिडेंट मान लेंगे हम अगर इनने दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। दे स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, जनरल कंडीशन। अगर वो 182 दिन से ऊपर है तो वो तो बाई डिफॉल्ट में रेसिडेंट हो गए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या लेके आया जरा देखना, इफ दे स्टेज फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर, यानी ही अगर वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में 15 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है, 120 दिन से कम अगर वो इंडिया में हैं, आए हैं 120 दिन से कम, तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। 120 दिन मतलब रफली 3 मंथ्स, इतना भारत सरकार अभी भी कंसिडर कर रही है। और अभी भी किसी को टैक्स प्लानिंग करना होगा वो 3 महीने के अंदर का ही टैक्स प्लानिंग कर पाएगा जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा। लेकिन जहां वो छह छह महीने की प्लानिंग कर जाता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब उनने बोल दिया 3 महीने तक के तो हम आपको छूटी देते, 120 दिन तक के आप रहोगे, आप नॉन रेसिडेंट माने जाओगे, हालांकि इंडिया में जितनी इनकम कमाई उस पे तो आपको टैक्स देना ही देना है। अगर आप इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कम्स टू विजिट इन इंडिया, 15 लाख से ज्यादा कमाते हो, 120 दिन से ज्यादा और 182 दिन से कम, मोर देन 120 डेज, लेस देन 182 डेज, मोर देन 120 डेज एंड लेस देन वन, मोर देन 120 डेज अप टू 182 डेज, यू कैन बी ट्रीटेड एज RNOR, यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर आप 182 डेज से ज्यादा हैं, आप रेसिडेंट तो वैसे ही बन गए, ROR या RNOR 66 की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ROR या RNOR 66 की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यस, चलिए वापस से आप पूरे गेम को ध्यान से सुनिए। एक, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, लेट से कोई फॉरेन नेशनल है, इंडिया में आते हैं 182 डेज से ज्यादा या 60 डेज क्राइटेरिया से ज्यादा रहते हैं, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, फर्दर डिपेंड करता है आप ROR या RNOR होंगे, कितने नंबर ऑफ डेज आपने इंडिया में बिताया उसके ऊपर। फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट स्पेसिफिकली किन के लिए, उनके लिए जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड यहां पे 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, हम इन्हें रेसिडेंट मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे अगर ये 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो। सर, रेसिडेंट बनने से क्या हो जाएगा, उनकी ग्लोबल इनकम का टैक्स करने का राइट भारत सरकार को मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया आ रहे हैं विजिट करने के लिए, 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, हम आपको रेसिडेंट मानेंगे अगर आप दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लो। कौन से दो क्राइटेरिया, 182 को एज इट इज रखा है, दूसरा क्राइटेरिया बोला है 60 डेज के जगह 120 डेज, 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर, हम आपको रेसिडेंट मान लेंगे। रेसिडेंट बनने से क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति जो अब तक भारत सरकार में टैक्स में नहीं आ रहे थे उनको भी टैक्स ब्रैकेट में ले लिया। इस अमेंडमेंट को लाने से भारत सरकार को दो फायदे हुए, एक जो टैक्स अब्यूज हो रहा था इंडिया में, जो लोग इंडिया से इनकम कमा करके भी इंडिया में टैक्स नहीं दे रहे थे और अपना रेसिडेंशियल स्टेटस को छुपा ले रहे थे, उनको अब टैक्स ब्रैकेट में कवर कर लिया। दूसरा फायदा क्या हुआ भारत सरकार को, भारत सरकार ने अपना टैक्स बेस वाइड कर लिया,
अब वो इन लोगों से भी टैक्स कलेक्ट करेंगे रेसिडेंट के नाम पे, जिनसे वो पहले टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे थे। इन शॉर्ट भारत सरकार का रेवेन्यू मॉडल बढ़ जाएगा इस अमेंडमेंट से। कुछ सवाल आपके हैं उनको देख लूं। 182 डेज से ज्यादा, तुषार जी 182 डेज से ज्यादा है तो आप ही बताइए क्या होगा। 182 डेज से ज्यादा अगर वो इंडिया में है तो वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट में रेसिडेंट है, उसको तो हम रेसिडेंट ही मान रहे हैं। अब आरओआर होगा या आरएनओआर होगा ये तो 6-6 की कंडीशन पर डिपेंड करेगा ना आगे की, जो कल हमने पढ़ी थी। अगर कोई पर्सन दो देश में रेसिडेंट बनता है तो उसकी ग्लोबल इनकम पे दोनों देश में टैक्स लगेगा क्या? सावन, आपका सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, ये बहुत प्री मैच्योर सवाल है, इसको मैं मे बी आज या कल दूंगा, ये प्री मैच्योर है अभी, क्योंकि आपको कुछ और चीजें सीखनी होगी। सर प्रीसीडिंग मींस कंटिन्यूस, हां बेटा प्रीसीडिंग मींस कंटिन्यूस फॉर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं, कुछ सवाल रख रहा हूं। एग्जाम्पल इसी पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम्पल, मिस्टर व्यास एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन मस्कट फ्रॉम 2005 ऑल्सो हैज अ बिजनेस इन इंडिया दे रेगुलरली विजिट इंडिया डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस अज्यूमिंग देयर इनकम फ्रॉम इंडिया इज 20 लैक्स नंबर ऑफ डेज विजिट 120। बताइए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? कुछ पॉइंट जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। आर दे एन इंडियन सिटीजन? यस। दे आर आउटसाइड इंडिया? यस। दे विजिट इंडिया? यस। इंडिया से अर्निंग 15 लाख से ऊपर हो रही है? यस। नंबर ऑफ डेज विजिट अप टू 120 है, और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए लेट से मैंने रख दिया 110। अब बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? सही जवाब नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। नंबर ऑफ डेज विजिट इज 140, एंड stays for 370 days in 4 previous preceding year. Number of days previous year में 140 और 4 previous year को देख लिया जाए तो 370। अब बताइए वो कौन होंगे? स्ट्रेट अवे आर एन ओ आर की पदवी मिल जाएगी इनको, स्ट्रेट अवे किसकी पदवी मिल जाएगी? आर एन ओ आर की। ऊपर देख लो 120 दिन से ज्यादा होने चाहिए एंड पिछले चार सालों में एटलीस्ट 365 होना चाहिए, डायरेक्टली आपको आर एन ओ आर की पदवी दे दी जाएगी। तीसरा क्राइटेरिया नंबर ऑफ डेज इन इंडिया 200। अब बोलो क्या
अब आप रेसिडेंट हो गए, आरओआर होंगे या आरएनओआर होंगे, ये 66 पे डिपेंड करता है। आरओआर होंगे या आरएनओआर होंगे, ये 66 पे डिपेंड करता है। टू आउट ऑफ टेन, 730 आउट ऑफ 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, आगे की डिटेल देख के इसे आरओआर या आरएनओआर बनाएंगे। एवरीबॉडी गेटिंग इट और नॉट, यहां तक के सबको समझ में आया, यहां तक के सबको समझ में आया मालिक? चलो मेरे साथ रिवाइज करेंगे, पूरा पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट रिवीजन का, पहला पॉइंट रिवीजन का, व्हाट इज इन जनरल रेसिडेंशियल स्टेटस? इन जनरल, कोई पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरे साथ रिवाइज करने की कोशिश करें। इन जनरल दैट मींस हम तीन कैटेगरी के अंदर में फॉल नहीं हो रहे, हम तीन कैटेगरी के अंदर में फॉल नहीं हो रहे। अ पर्सन विल बी ट्रीटेड एज इधर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट अगर है तो दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। फिर नीचे गए, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए, आरओआर आरएनओआर बनाए। आरओआर के लिए दो क्राइटेरिया, आरओआर के लिए दो क्राइटेरिया, पहला स्टेज इन इंडिया, ही इज रेसिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आरओआर अदरवाइज आरएनओआर, अदरवाइज क्या आरएनओआर। यहां तक के क्लियर है मालिक? ये हुआ इन जनरल रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर हमने बात करी इसके एक्सेप्शन की, आज हमने सबसे पहले बात करी इसके एक्सेप्शन की। तीन कैटेगरी के लिए सिर्फ 182 डेज का क्राइटेरिया है, तीन कैटेगरी के लिए सिर्फ 182 डेज का क्राइटेरिया है, तीन कैटेगरी के लिए सिर्फ 182 डेज का क्राइटेरिया है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर दिस थ्री कैटेगरीज? 182 डेज इंडिया में है तो रेसिडेंट, 182 डेज इंडिया में नहीं है नॉन रेसिडेंट। ऐसे तीन लोग कौन है, ऐसे तीन लोग कौन है, जल्दी से बोलो, ऐसे तीन लोग कौन है? जब तक मैं श्योर नहीं हो जाऊं कि हाँ ये आपको समझ गया है, ये हमने आज आके सबसे पहली चीज पढ़ी। वेरी गुड, एक जवाब, पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा शिप क्रू मेंबर, तीसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये तीनों भी कौन चाहिए थे? इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 182 डेज इंडिया में है रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। लेकिन हम ये किसकी बात कर रहे थे? जो इंडिया से जा रहे हैं, जो इंडिया से जा रहे हैं, बराबर। फिर हमने फाइनेंस एक्ट 2020 का पहला अमेंडमेंट पढ़ा, फाइनेंस एक्ट 2020 का पहला अमेंडमेंट पढ़ा, जिसमें इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु आर आउटसाइड इंडिया एंड कम टू विजिट इन इंडिया। अब बोलो, अब बोलो, इनकम इज 9 लाख, इस व्यक्ति को हम कब रेसिडेंट माने? अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो रहता आउटसाइड इंडिया, इंडिया में आया है और इंडिया से अदर देन फॉरेन सोर्सेस से 9 लाख रुपए कमाया है, बताइए इस व्यक्ति को मैं रेसिडेंट कब बोलूं? इस व्यक्ति को मैं रेसिडेंट कब बोलूं? जल्दी से बताओ मालिक, इस व्यक्ति को मैं रेसिडेंट कब बोलूं? सही जवाब आ रहे हैं, सही जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा,
वेरी गुड, आपको बहुत टेक्निकल लॉ बड़े आसानी से समझ गया, बहुत टेक्निकल था ये, पर आपने इसको बड़े ध्यान से सुन लिया और बड़े आसानी से समझ गया, शानदार, सभी के सभी लोगों ने एकदम करेक्ट जवाब दिया। हम इसे क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे इफ ही स्टेज फॉर मोर देन 182 डेज और 182 डेज और मोर, बराबर है मालिक, इफ ही स्टेज फॉर 182 डेज और मोर। अच्छा अब एक मेरा सवाल है, ध्यान से सुनो, मान लो बाकी सारे फैक्ट रिमेन कॉमन, इसका स्टे हुआ 90 डेज का, इसी का स्टे हुआ 90 डेज का, तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? इसी व्यक्ति का स्टे 90 डेज का हुआ, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? शानदार, वेरी गुड, हम इसे क्या कहेंगे, नॉन रेसिडेंट कहेंगे। अब मैं आपसे दिमाग वाली बात पूछता हूं, अगर दिल से ईमानदारी से तुम्हें समझ गया होगा तो तुम वैसे ही बता दोगे, विच इनकम इज टैक्सेबल। अगर वो व्यक्ति रेसिडेंट बन जाता है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल हो जाती है, जो उसने सिर्फ इंडिया से कमाई वही, या फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो सकती है? अगर दिल से पढ़ा होगा और मैंने अच्छे से समझाया होगा, तुम एक मिनट में जवाब दोगे, कौन सी इनकम टैक्सेबल हो जाती है अगर वो रेसिडेंट बन जाता है तो? क्या सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है या उसकी फॉरेन इनकम भी हम टैक्स कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड बेटा, इंडियन प्लस फॉरेन इनकम टैक्सेबल की जा सकती थी अगर वो रेसिडेंट बन जाता है तो। यही वो एनआर रहता है, तो बताओ हम कौन सी इनकम टैक्स कर सकते थे इंडिया में अगर वो एनआर रहता है तो? बताओ हम कौन सी इनकम टैक्स कर सकते थे इंडिया में अगर वो एनआर रहता है तो? बताओ हम कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर सकते थे? शानदार, वेरी गुड, ओनली, अब आए ना भाई तुम, अब भाई फुल रिस्पेक्ट, इंडियन इनकम ओनली, रिस्पेक्ट आप सभी लोगों के लिए, रिस्पेक्ट भाई, फुल रिस्पेक्ट। जो बच्चे कह रहे हैं अभी भी ग्लोबल इनकम, वो गलत है। अगर वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो इंडिया में हम सिर्फ उतनी इनकम कैच कर पाएंगे जो इंडिया से कमाई गई है। यही तो वो गेम था, जिसके लिए भारत सरकार का टैक्स बेस बड़ा हो गया। पिछले टाइम तक के इसके अंदर में कुछ लिखा हुआ नहीं था, इस टाइम के अंदर इसके अंदर में कुछ लिखा हुआ है। फुल रिस्पेक्ट आपको, बहुत टेक्निकल लॉ आराम से अंदर चला गया, शानदार। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सवाल खत्म नहीं हुआ। तीसरा क्राइटेरिया, फाइनेंस एक्ट, वीरेंद्र कह रहे हैं रेसिडेंट में बोध क्यों? बेटा आप पूरा का पूरा कल का और आज का लॉ वापस से देखना, ये लेक्चर आप वापस से देखना, आपका ध्यान नहीं था या तो आप बीच में कहीं लेक्चर छोड़ के गए थे। इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसने इसका जवाब सही दे दिया ना, मैं मान लूंगा तुम्हें लॉ समझ गया। इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who stays outside India but come to visit in India and earns 20 lakh, what is his residential status? If stays in India for 72 days आपसे पहला सवाल,
रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। आपसे दूसरा सवाल, विच इनकम इज टैक्सेबल। ये दो फिल आपको करने हैं, मैं समझ जाऊंगा आपको लॉ समझ गया। इज एन इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु स्टेज इन इंडिया बट कम्स टू विजिट इन इंडिया एंड अर्न्स 20 लाख। रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ अगर वो 72 डेज पे है। पहला रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ और ये भी बताओ कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। बिल्कुल सही जवाब दिया मैक्सिमम बच्चों ने, वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा और ओनली इंडियन इनकम पे हम टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा और ओनली इंडियन इनकम पे हम टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। क्या होगा आपका जवाब अगर मैं इसे 150 डेज कर दूं तो, एंड प्रीवियस ईयर 150 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 390 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अब बताइए आपका जवाब क्या होगा। क्या मैं कह सकता हूं आप स्ट्रेट अवे आरएनओआर की कैटेगरी में फॉल हो गए? क्या मैं कह सकता हूं आप आरएनओआर की कैटेगरी में फॉल हो गए? भारत सरकार को क्या फायदा हुआ? इंडियन प्लस स्पेसिफिक फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो गई। स्पेसिफिक, मैं स्पेसिफिक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप आगे जाएंगे तो देखेंगे आरएनओआर की कौन सी इनकम टैक्सेबिलिटी में आती है। इसे आरएनओआर ट्रीट कर दिया। अदर शब्दों में आप इसे ग्लोबल भी कह सकते हो, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जो आपको आगे जाने को मिलेंगे, पर इसे रेसिडेंट बना दिया गया। अब आप नहीं कह सकते 300 डेज, आप कौन हो गए? रेसिडेंट हो गए। एज ऑफ नाउ आपकी ग्लोबल इनकम, अगेन सेम ही बोल दो, ग्लोबल भी वर्ड कट कर दो तो ज्यादा बेहतर है। अगेन इंडियन प्लस फॉरेन, फॉरेन कौन सी टैक्सेबल है ये आगे का पार्ट है, पर रेसिडेंट बनाने के फायदे क्या हुए वो आपको समझ में आए। यस, हमें यहां पे क्या देखना होगा, 6-6 को देखना होगा, क्या कहता है 6-6, उसके ऊपर आगे के फैक्ट्स डिपेंड करेंगे। आता कैसे वाटते, कैसा लग रहा है आपको अब इतने टेक्निकल पॉइंट्स को समझ के? फाइनेंस एक्ट 2020 का बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। इनफैक्ट जितने बच्चे नवंबर 20 वाले ये वीडियो देख रहे होंगे, फॉर देयर रेफरेंस मैं आपको कहूंगा प्लीज पुरानी बुक मत यूज कीजिए। मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा कि मेरा बुक बिक जाएगा, अलग विषय है, आप मॉड्यूल यूज कर लो आपको अगर ऐसा लगे तो, बट प्लीज पुरानी बुक मत यूज कीजिएगा जब अगर आप मई 21 दे रहे होंगे, जून 21 दे रहे होंगे या नवंबर दिसंबर 21 दे रहे होंगे, पुरानी बुक का कोई काम नहीं। आप खुद से चेक करो कितने अमेंडमेंट है। आपका बुक उठा के देख लेना, ये मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, ये चेक कर लेना, तुमको खुद को समझ में आ जाएगा डिफरेंस कितने हैं। और ये बहुत छोटे से अमेंडमेंट है, आगे के चैप्टर्स बहुत बड़े हैं बेटा, आगे के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें अमेंडमेंट है। डन मालिक। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग इनकम एक्सीडिंग 15 लाख, ये देखो ये इसका शॉर्टकट बनाया यहां पे। डन सर, चेक कीजिए।
आहो बेटा, समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? यहां पे यही चीज लिखी हुई है एज इट इज, शॉर्टकट के अंदर में आप देख सकते हो। समझ रहे हो कितने टेक्निकल पॉइंट बनते हैं जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हो? अब तक आप कितने छोटे से जगह पे थे, आप सोचिए। लॉ तो पूरे देश के लिए बनता है, तो कितने क्राइटेरिया सोचने पड़ते हैं? यस और नो? इधर आइए, पेज नंबर 3 पे आपको देखने को मिलेगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और ईदर हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन टू अनडिवाइडेड इंडिया। दिस मे बी नोटेड दैट ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड बोथ मेटरनल एंड पेटरनल। यस प्रभु। आर एन ओ आर को अभी हम नहीं देख रहे, नॉन रेसिडेंट को हम पढ़ सकते हैं। चेक कीजिए, इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। इट मस्ट बी नोटेड दैट द फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ द अबाउ कंडीशन ए और बी एप्लीकेबल विल मेक एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया फॉर टैक्स पर्पज। फर्दर इट इज टू बी नोटेड दैट दीज कंडीशन आर अल्टरनेटिव एंड नॉट क्यूमुलेटिव इन देयर एप्लीकेशन। डन प्रभु? ओके साहब, अभी के लिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस इतना ही पढ़ेंगे। आज आपका एक बहुत बेहतरीन होमवर्क, आज आपका सबसे बड़ा होमवर्क ये है कि आपको जाना है और प्रभु इतना रेसिडेंशियल स्टेटस दोबारा पढ़ के आना है। आज का बस इतना होमवर्क है, इस चीज को दोबारा पढ़ के आना है। जब आप दोबारा पढ़ोगे इसे, ओ माय बाप, जब आप दोबारा पढ़ोगे इसे, मन में 50 तरह के क्वेश्चन आएंगे और उन सभी क्वेश्चनों को लिख के रखना। ध्यान से सुनना, आज जब तुम इसे पढ़ोगे तो 50 तरीके के क्वेश्चन आएंगे और इन 50ों को लिखना है, टाइप नहीं करना, लिखना है। और कल हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे, कल हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके आगे बढ़ने के लिए तुम्हें यहां तक का क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? चलो, अब कुछ क्वेश्चंस बाकी थे हमारे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक के होमवर्क था। आ जाओ सॉल्व करते हैं, जो होमवर्क था इसे सॉल्व करते हैं। मोहित बेटा, सेम बैच है, नवंबर 21 के लिए भी यही बैच है। डन मालिक? सबसे पहले होमवर्क लेते हैं। कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ओप्पो, किसी ने अगर भूल गया होगा तो इनकी एज 85 है, ठीक है। स्पेशल इनकम के क्राइटेरिया में अंदर आ रहा है 1, 2, और कुछ आ रहा है नहीं। तो सर यहां आता है 4250, यहां आता है 5700, ये बना स्पेशल टैक्स। चेक करना अपना आंसर, नॉर्मल टैक्स कितना आ रहा है? डज इट कम टू 469009? अगर आपने सॉल्व किया होगा तो चेक करना। फोर सेवन एट 959 सरचार्ज लगने नहीं वाला, HEC लगेगा और फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आएगी 498117, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 498120। ऐसा ही ना, चेक कर लीजिए। वेट,
वेट वेट वेट, आई जस्ट स्टैंड करेक्टेड, मैंने अमाउंट गलत ली थी, डज इट कम्स टू 76006, मैंने ये अमाउंट गलत ले ली थी, एट फाइव नाइन फाइव सिक्स थ्री फोर थ्री एट एट नाइन थ्री नाइन फोर, जिसको राउंड ऑफ करके आएगा 89390। फाइनल आंसर शुड बी 89390, फाइनल आंसर शुड बी 89390। मैंने वो एक गलत ले लिया था यहां पे। दूसरा स्टार्क 55 की एज है, ठीक है, यहां पे आएगा 70,000, यहां पे आएगा 1,20,000, स्पेशल आएगा 1,90,000। यहां पे आएगा 1,372,500, टोटल चेंज हो जाएगी, टोटल टैक्स वुड कम टू 1,562,500। एड, क्या सरचार्ज भी ऐड होगा? यस, एट द रेट ऑफ 10%, एचईसी भी ऐड होगा, टोटल 1,787,500, टोटल 1,787,500। जिनकी भी ये टैक्स लाइबिलिटी आई है, वेरी गुड, आपने एकदम सही किया। आई होप कोई बच्चा मुझसे अब ये नहीं पूछेगा कि सर ये टैक्स आया कैसे और ये सरचार्ज मैंने ऐसा क्यों लगाया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज पुराने लेक्चर वापस जाकर के देख लेना, सरचार्ज क्यों 10% लगा, बिकॉज ओवरऑल लाइबिलिटी इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, रिबेट मिल ही नहीं सकता, मार्जिनल रिलीफ आएगा ही नहीं। डन सर, चेक टैक्स लाइबिलिटी ऑफ हल्क एज 23। देखो हल्क इस एज में भी कितना कमा रहा है, यहां 1 लाख आ गया, यहां 2,70,000 आ गया, फोर्टी एट लैख एटी टू थाउजेंड सिक्स सेवेंटी, फोर्टी टू लैख फोर्टी एट लैख एटी टू थाउजेंड सिक्स सेवेंटी शुड बी द फाइनल आंसर। अगर आपका भी आ रहा है तो बधाई हो,
यहां पे जो सरचार्ज लगा ये कितने परसेंट से लगा, यहां सरचार्ज लगा 15% से अक्रॉस ऑल इनकम, यहां सरचार्ज जो लगा वो लगा 15% से अक्रॉस ऑल इनकम, थानोस। आई होप आप लोग भी एवेंजर्स के फैन होंगे मेरे हिसाब से। यहां क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, अगर आपको बुरा ना लगे तो सरचार्ज 15% पे ही रहने दूं। टोटल 6616870। अगर आपको बुरा ना लगे तो सरचार्ज 15% पे ही रहेगा। सर क्यों, आपने गलत किया है, टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है। सबसे लास्ट वाला पार्ट अप्लाई हुआ यहां पे सरचार्ज का, अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम एक्सीड 2 करोड़, सरचार्ज रेट वुड बी 15-15, सरचार्ज रेट वुड बी 15-15। रॉकेट में पॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है, ऐसा कुछ है। अच्छा यहां पे तो आई थिंक चीजें ही सॉर्टेड है। यहां तो इतना दिमाग ही नहीं लगता हमारे पास। ये हो गया टैक्स, सरचार्ज लगाओ, यहां सरचार्ज रेट लगेगा 10% या 15%। वन करोड़ 17,45,370, 1 करोड़ 17,45,370।
कैसा लग रहा है जब जवाब सही आ रहे हैं ये भी तो बताइए। आई थिंक अब इस फॉर्मेट के साथ आप भयानक अकस्टम्ड हो गए होंगे, अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे फॉर्मेट में आपकी गलती नहीं हो सकती। इमेजिन कीजिए आज से कुछ दिन पहले का लेक्चर जब आपको ऐसा लग रहा था ये कैसा फॉर्मेट है, आज आपको समझ में आएगा यही सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है एग्जामिनर को शो करने के लिए, आता कस वाटते। चलो लास्ट का आंसर मैं सॉल्व नहीं कर रहा डायरेक्ट बताओ, लास्ट का आंसर मैं सॉल्व नहीं कर रहा डायरेक्ट बताओ फटाफट। आप जो बोलोगे सब एक्सेप्टेड है। 2,73,15,810 लो, यहां पे डिफरेंस आ रहे हैं भाई की बाकी सबके, कर ही देता हूं नालायको, तुमने शायद बूझा नहीं, इन दोनों के ऊपर सरचार्ज रेट रहेगा 15% जबकि इसके ऊपर सरचार्ज रेट रहेगा 37%, जाकर के कैलकुलेट करना। चलो मैच कर देता हूं, क्या करोगे तुम लोग, तुमसे ना हो पाएगा, उसमें भी घोटाले किए तुमने। फोर लाख वन लाख 50,000 अगर कोई ये देखना भूल गया होगा तो। This is the final answer. कहां गलती हो गई, कहां गलती हो गई, उम्र ही तो है जो तकलीफ दे रही है, एक उम्र ही तो है तकलीफ दे रही है। और इसे शायरी के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हर उम्र में, उम्र की बात है तो, कि हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने फिर माशूका फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा। ये लाइफ के चार स्टेजेस है और हर उम्र में अपने शौक अलग होते हैं। बचपन होता है तो खिलौने होते हैं, जवानी होती है तो माशूका होती है,
आप और थोड़े बढ़ते हो तो रुतबा चाहिए, और भगवान के पास जाते समय हमें सिर्फ खुदा खुदा चाहिए। तो हर उम्र में शौक होते हैं जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर माशूका, फिर रुतबा और फिर खुदा खुदा। सो साहब, इसी तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। रेसिडेंशियल में हम थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं। यस और नो प्रभु? और बताइए, अब मैं लेता हूं आपके स्पेशल सेशन, जिसे हम अपने शब्दों में कहते हैं कुरीज। चलिए, कुरीज हो तो बता दीजिए। चलो साहब बताओ, मैं डिवाइस भी ओपन कर लेता हूं सो दैट मुझे आपकी क्वेरीज पता चल जाए। सर, सिक्स्थ क्वेश्चन में टैक्स चेक कर लो, देखना भाई, आ जा तू, टैक्स चेक कर मेरे साथ। कैलकुलेटर पे ले, 6,30,00,000 में से 10,00,000 रुपीज़ माइनस कर, इनटू 30% प्लस 1,10,000, आया ना 1,87,10,000, आया ना मालिक? नहीं अंशिका, आपको ऐसे सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा। डन। एनीबडी एनीथिंग एल्स? कोई क्वेरी आज के लेक्चर के अंदर में प्लीज सामने रखो, और कुछ क्वेरीज होंगी आपकी तो। सर अभी हम लेक्चर बाय करें तो अब सारे लेक्चर डाउनलोड हो पाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैं डेली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जो लेटेस्ट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है वही आपको मिल पाएंगे एज ऑफ नाउ भी। सर कल क्लास है, कल का मैं डेट आपको रात में इंस्टाग्राम के ऊपर या तो टेलीग्राम के ऊपर देता हूँ। सर अगर एक पार्टनर की फर्म है जिसमें से एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया है और एक इन इंडिया है, इफ हैज मेजर शेयर इनकम फ्रॉम इंडिया बट नंबर ऑफ डेज इज लेस देन 120 डेज, देन रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? बेटा आप रेसिडेंशियल स्टेटस पार्टनर का पूछ रहे हो या फर्म का पूछ रहे हो? ना 2 करोड़ का बैरियर के लिए, क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा बेटा। सर मैंने सितंबर में कोर्स परचेस कर लिया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, कुछ बचा नहीं डाउट्स के लिए, ठीक है। सर सिक्स्थ क्वेश्चन ओपो वाला, यहां क्या तकलीफ है बेटा? बहुत ही सिंपल तो कैलकुलेशन है, एचपी अदर सोर्सेज और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जोड़ लो। बेटा पार्टनर के लिए तो जैसा इंडिविजुअल के लिए वर्क करता है बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। बेटा सितंबर में तो वैसे ही आपका कोर्स आया ही नहीं था, तो फिर क्या मतलब है आपका May 21 का कोर्स नहीं होगा? इनफैक्ट अगर आपने एक्टिवेशन नहीं करवाया होगा तो अब न्यू कोर्स आपको मिल जाएगा, एक्टिवेशन करा लिया होगा तो नहीं पॉसिबल है बेटा। एनीथिंग एल्स? फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। प्लेन के क्रू मेंबर का प्रोविजन नहीं है, शिप क्रू मेंबर का प्रोविजन है। ये बैच मार्च पे फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, टैक्स लायबिलिटी निकालो। बेटा टैक्स लायबिलिटी मैं आपको फिर से कैसे निकाल के दिखाऊंगा? रिजल्ट का क्या डेट है?
आईसीआई की वेबसाइट पे आ जाएगा ना यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? डन सर, सो थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चों।